जो तुम लोगों ने आज किया है इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रघु भाई आपको क्या लगता है, सच बोल रहे हैं? राघव भाई ने जब से हमारी सुलह कराई है ना, तब से आज दिन तक इसने पंगा नहीं लिया। शायद रोकी सही बोल रहा है। भाई आपको क्या लगता है किसने मारा को जग्गा को? इस शहर में तीसरा कोई और नहीं जो हमारे आदमियों का हाथ लगाए। आदमियों को बोला है पता लगाने के लिए, जल्दी पता लगाएंगे। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनके किरदार वक्त से गहरे होते हैं, और कहानियाँ उनसे भी। ये शहर मेरा है, मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, या पूरे सिस्टम के खिलाफ। वो कहते हैं ना, बाप का भी बाप होता है। इस शहर का बाप मैं हूँ, राका। राका भाई, रघु आया। सलाम राका भाई। राघा भाई, जग्गा की मौत का अभी तो कुछ पता नहीं चला। भाई मुझे तो पूरा शक है, ये काम रोकी का ही है। राका को जुबान देने के बाद उसकी इतनी हिम्मत नहीं वो मुझसे ऊपर जाए। तो भाई उसके अलावा और कौन हो सकता है? ये पता लगाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। भाई बोला याद नहीं पता लगाने के लिए। ठीक है भाई, चलते हैं। मंसूर, एक छोटा सा काम दिया था तुझे, कुछ पता चला क्या? तेरे पास आज शाम तक का टाइम है, वो बंदा मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। हाँ मनसुख, कुछ खबर? तो साला कौन है फिर? क्या बोला? रोकी का काम नहीं है। मुझे पता है क्या करना है, चलो उधर।
भाई आप। ओके भाई, सब गोर उधर पागल हो चुके हैं, सबको ठोक रहे हैं, कुछ तो करो भाई। ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूँ मतलब? आया था मैं तो आपके पास, आप ही नहीं कहा था जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, तो वही कर रहा हूँ। दो दिन मतलब दो दिन, तीसरे दिन मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। क्या भाई, अब हमें दो दिन और रुकना पड़ेगा? इसलिए रुके हम, जो हमने खोया है वो उसने नहीं खोया। उदय, जग्गा की मौत का दुख मुझे भी है, पर ये मत भूल कि आज हम जो भी हैं राखा भाई की वजह से। मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे जग्गा की मौत का बदला चाहिए। भाई मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? एक छोटा सा काम है वो करके आता हूँ। मैं भी चलता हूँ। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं आता हूँ, मेरी बात सुन ले। राघव भाई की बात याद रखना, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए। ठीक है भाई। रघु भाई एक पंगा हो गया। हाँ उदय, इतना परेशान क्यों है? ओके भाई, वो मैं रास्ते में जा रहा था, रोकी के दो आदमी एकदम सामने आ गए। तो तूने क्या किया? क्यों रे, तुम फिर पिटने आ गए? अच्छा, अगर देख लो साले की, कर ले हिसाब बराबर। उस दिन भी मारा तो आज भी मारूंगा। तो भाई मैंने दोनों को वहीं ठोक दिया। क्या उसकी इतनी बात, वो मेरे बंदे को मारे? तो जान से मारने की क्या जरूरत थी भाई? मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। अब वो रोकी साला राघव भाई को सब बता देगा। दिमाग से काम लो, कल राघव भाई आने वाले हैं, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं उदय, मैं संभाल लूंगा।
ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने, क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन रहे हो? भाई आपके मना करने के बाद भी इस रघु के चमचे ने मेरे दो आदमियों को टपका दिया। उंगली इसके आदमियों ने की थी रखा भाई, मुझे कोई शौक नहीं इसके आदमियों को मारने का। बहुत हुआ रोकी, तुझे आधा शहर दे रखा है इसका मतलब ये नहीं तू मनमानी करेगा। भाई आजकल ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। उछल तो तू भी बहुत रहा है रोकी, तूने जग्गा को क्यों मारा? भाई अगर मुझे मारना ही होता ना पहले इस उदय को ठोकता, जग्गा को नहीं। अच्छा तू देखो मारता, ये ले तेरे सामने खड़ा है। रघु मैं यहाँ ये सब सुनने नहीं आया हूँ, आज आखिरी बात तुम दोनों की सुलह करा रहा हूँ। और रही बात जग्गा की, उसका भी जल्दी पता चल जाएगा। रोकी अगर ये हरकत तेरी निकली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रघु अपने आपको समझता क्या है, हर राग का भाई के आगे कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। अभी उसे रोकी की ताकत का अंदाजा नहीं है, रो दो कौड़ी का चोर। उदय मन तो कर रहा था साले को उधर ही ठोक दूं, सिर्फ राग का भाई की वजह से रुक गया मैं। रोकी भाई गुस्सा थूक दो, टाइम आ गया है अपना हिसाब बराबर करने का। क्या मतलब? रोकी भाई कल उदय डील के लिए अकेला जाएगा। उदय और अकेला, अब दिखाता हूँ उसे रोकी क्या चीज है। अबे क्या हुआ, अभी तक आया नहीं क्या रघु का चमचा? खबर तो पक्की थी, फसल आया क्यों नहीं अभी तक? तुम एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर सकते? खबर एकदम पक्की है भाई। पहले इस उदय को ठोकता, जग्गा को नहीं। रोकी
रघु मेरी बात सुन, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे भैन चोर, इतना कुछ करने के बाद भी कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। भाई जैसे थे मेरे, और तूने एक पल नहीं लगाया उन्हें मारने में। अगो तुझे कोई गलत फहमी हुई है? कौन है साला? जग्गा को मारा और मैंने ही उदय को मारा। हाँ दादा, सारे देख लूंगा तेरे को।
मिलता हूँ। मेरे पीछे से शहर में मुझे कोई लोचा नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो तू बोल रहा है, पिछली बार भी भेजा था तुझे, दो को ठोक के आया है तू। अब टेंशन मत लो भाई, इस बार कोई लोचा नहीं होगा। और अपना ध्यान रखना। ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना। ठीक है। के पीछे मैं पीछे रहते हैं बदतमीजी। रघु और रोकी तो रहे नहीं, अब से ये शहर तू चलाएगा। समाज में कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जिनका खुद का तो भविष्य से कुछ लेना देना नहीं होता और साथ ही साथ सीधे शरीफ लोगों को भी अपना शिकार बनाते हैं। पर एक ना एक दिन सबक सबको मिलता है।